खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। जिला आबकारी विभाग ने शनिवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 550 पेटियों के साथ कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। यह शराब पंजाब निर्मित बताई जा रही है, जो अरुणाचल प्रदेश में बेची जानी थी, लेकिन इसे गुजरात की ओर ले जाया जा रहा था। तस्करी की सूचना पर जिला आबकारी दल थाना उत्तर ने नेशनल हाईवे संख्या 8 पर स्थित पालरा चौराहे पर नाकेबंदी कर डाक विभाग के नाम से ले जाए जा रहे कंटेनर को रुकवाया और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा निवासी ड्राइवर शौकत से शराब तस्करी मामले में पूछताछ की जा रही है। नहीं, ये जो बाहर लिखा हुआ है डाक विभाग का, बाकी अंदर कुछ माल और ही है। विभाग की ओर से अवैध शराब परिवहन की रोकथाम की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और आज प्रातः मुखबिर की सूचना पे अजमेर का नेशनल हाईवे पालरा की तरफ ये ट्रक 6 चक्का पकड़ा है, और इसको अभी चेक करें, आपके सामने चेक किया है, इसमें अवैध शराब जो है पंजाब हरियाणा निर्मित है वो भरी हुई थी, बाकी अन्य कोई सामान अभी आपके सामने देखा जा रहा है। नहीं, इसमें लिखा हुआ तो डाक विभाग है, बाकी अंदर कोई सामान है नहीं। बाकी अनुमानित जो माल और वाहन की कीमत तकरीबन 30 लाख आंकी जा रही है। ये बिल्टी तो इसने मोहाली से पूना है, बाकी ये हरियाणा की तरफ से ही ट्रक आया है और गुजरात की तरफ जाने की संभावना है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।